इंडियन धूम चैनल में मैं शरद अग्रवाल आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो एक मोबाइल एप्लीकेशन पे है जिससे हमें कोई बहुत बड़ी अर्निंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक अर्निंग मिलेगी। आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ पास में बेल का आइकॉन भी दिख रहा है, उसे बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं काफ़ी वीडियो है, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आपको अर्निंग देंगे और जिन पे आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिलेगी। कई लोगों ने इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया है। दोस्तों, चलिए हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले से आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। HP-refuile, ये पेट्रोल भराने का है। हर व्यक्ति के पास गाड़ी है अपनी, या फिर जो एजेंट करते हैं, या जो ट्रक ड्राइवर है, या जो गाड़ियां चलाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद में 4 डिजिट का पिन मांगेगा, एक पिन नंबर सेट कर लीजिएगा। वो पूरी प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। दोस्तों, मैं आपको आगे से प्रोसेस बताऊँगा। यदि इसमें कोई तकलीफ आपको आती है तो मुझे बोलिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। चलिए, मैं 4 डिजिट का पिन डालकर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है। इसमें आपको बैलेंस दिख रहा है 67.13 रुपये। ये मेरा बैलेंस है फ़िलहाल, अभी इसमें बैलेंस ऐड है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये HP-refuile का वॉलेट है। HP पेट्रोल पंप से जो हम पेट्रोल भराते हैं, उसमें जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कंपनी हमें कुछ प्रॉफिट देती है। दोस्तों, वो प्रॉफिट बहुत नॉमिनल रहता है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके वाहनों में पेट्रोल डीजल भराया जाता है, या जो ट्रक चालक है, वाहन चालक है, जितने भी हैं, जो भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, कई लोग इनकम टैक्स पे ही है जो इन एंट्रियों पे ध्यान देते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दोस्तों, इसका पैसा पूरा वॉलेट से जाएगा और इसकी ऑनलाइन आपकी एंट्री होगी अकाउंट में। दूसरी चीज़ कि इसमें जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि इसमें जो रिफ़ंड देगी कंपनी, थोड़ा बहुत रिफ़ंड देती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एड मनी पे जाना पड़ेगा। एड मनी पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपके वॉलेट में पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अमाउंट डालना है और यहाँ IFSC और HDFC डाला हुआ है। दोस्तों, आप इसका टेंशन ना लीजिए, आप जितना पेमेंट ऐड करना है अमाउंट डालिए और IFSC पे टिक रहने दीजिएगा। लगे तो ये देखिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे नॉमिनल मैंने 1000 रुपीज़ डाल दिया है। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये आ गया। यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और बैंक डिटेल आपकी आगे आ जाएगी। इस पे बैंकिंग ऑप्शन आएगा, आपको मैं आगे का दिखाते जाता हूँ। दोस्तों, चलिए देख लीजिए। जैसे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे, हमें वॉलेट में पेमेंट ऐड करना है। दोस्तों, उसके बाद हम वॉलेट से डायरेक्ट, ये देखिए दोस्तों, मेरा अकाउंट नंबर आ गया है। यहाँ CV नंबर और लास्ट का 3 डिजिट डालना है और पेमेंट इसमें ऐड करना है। दोस्तों, इसमें मैंने ऑलरेडी डेबिट कार्ड कर रखा है ऐड, आप चाहो तो अपना अकाउंट डेबिट कार्ड ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, फ़िलहाल मैं कोई पेमेंट इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। चलिए, आपको पीछे प्रोसेस दिखाता हूँ। वापस मैं बैंक जा रहा हूँ दोस्तों, और जैसे ही आप ये पेमेंट ऐड कर लेंगे, उसके बाद में आप कभी भी HP के पेट्रोल पम्प से पेमेंट डलवाएँगे तो आपको वहाँ QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। दोस्तों, QR कोड ये देखिए, यहाँ पे मर्चेंट का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप यहाँ से पेमेंट सेंड कर सकते हैं, या फिर QR कोड से स्कैन करके भी पेमेंट दे सकते हैं। ये देखिए, QR कोड का ऑप्शन भी आ गया। दोस्तों, इसके बाद में लॉयल्टी रिडेम्पशन और रिफ्यूल, ये आप पेमेंट अपने किसी भी फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं। ये इसका अमाउंट रिफ्यूल, ये देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर डालकर आप जिनके पास वॉलेट है उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं।
बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अब मैं आपको मैसेज बॉक्स दिखाऊंगा, योर ड्राइवर्शन बैलेंस। दोस्तों ये बैलेंस जो है ये आपको रिफंड मिला हुआ है, इसे हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने वॉलेट में ले सकते हैं। इसके लिए एक नंबर आता है दोस्तों, वो मैं आपको दे दूंगा। वह नंबर आपको आपके HP पेट्रोल पंप वाले भी दे देंगे, आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आपको कॉल करना है और वो प्रोसेस बताएंगे कि यह बैलेंस आपको कैसे रिडीम करना है। यदि किसी को तकलीफ़ पड़ती है तो मुझे मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे पूरी प्रोसेस बता दूंगा या उसका एक और वीडियो बना के आपको दे दूंगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ये बैलेंस आपको ईजीली मिल जाएगा। आपका जितना पेमेंट कटेगा वो 67 रुपीज़ जो मेरा यहाँ डला हुआ है, यहाँ से पेमेंट आपका कटते जाएगा और आपको बैलेंस में यहाँ नीचे ऐड होते जाएगा जो आपको कंपनी से मिलने वाला है। थोड़े दिन पहले दोस्तों एक स्कीम चल रही थी, ये देखिए 5 लीटर पे 1 लीटर फ्री की स्कीम, नीचे आप चल रही है देखिए फ्लाइट, 5 लीटर पे 1 लीटर फ्री। आपको एक मोबाइल से एक बार पेमेंट पेट्रोल डलाने पर हर 5 लीटर पर 1 लीटर फ्री दे रही थी कंपनी, और उसका मैसेज अभी भी मुझे आ रहा है। तो आप भी डला के देख लीजिए, हो सकता है आपको एक 5 लीटर पे 1 लीटर फ्री मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगा तो ये बात मान के चलिए कि आपको दूसरा प्रॉफिट ज़रूर होगा। चलिए कुछ मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ उसके, ये देखिए ये कुछ पॉइंट मिले हैं। इसके बाद में 75 पैसे, ये क्रेडिट कुछ हिसाब से हुआ, 4 रुपये का पेट्रोल डलाया। ये जो पॉइंट ऑन मिलते जाते हैं दोस्तों ये बहुत बेनिफिट देते हैं। ये देखिए ये जैसे जैसे हम पेट्रोल डलाएंगे 0.75 पैसे की वैल्यू हर ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में ऐड करती जाती है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से पेट्रोल डलाया गया है, ये देखिए इसमें वॉलेट में मुझे 10 रुपये क्रेडिट भी मिला था जो इनकी तरफ से मिला था। ये देखिए इसके पहले पेट्रोल डलाया। दोस्तों आप जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि शुरू में आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होगा, वही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको अकाउंट लॉगिन करना रहेगा, और वो लॉगिन करने के बाद में आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर या जो वहाँ स्क्रीन पर आपके मैसेज में आए यूज़र नेम, वो दोनों डाल सकते हो। हो सकता है आप अकाउंट बनाएं जब हैंड टू हैंड तुरंत आपके पास में मैसेज ना भी आए, तो आधा घंटा 30 मिनट या 60 मिनट 1 घंटे के करीब वेट कर लीजिएगा, मैसेज आपको आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।